हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मिथ। आज के सेशन में हम देखेंगे बिल्ट इन फंक्शन एक्सलेट के बारे में। एक्सलेट बिल्ट इन फंक्शन कैरेक्टर टू कैरेक्टर ट्रांसलेशन के लिए यूज में होता है। तो सबसे पहले उसका एक एग्जांपल के लिए हम एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हम F6 ऑप्शन लेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम का नेम देना है, तो एक्सलेट बिल्ट इन फंक्शन। यहाँ पे हमारे को सोर्स का टाइप डिफाइन करना होगा, तो हम एक RPGLE प्रोग्राम यूज करेंगे इसके लिए। तो RPGLE डिटेल्स फिल करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। अब एक्सलेट फंक्शन को यूज करने के लिए हमारे को कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे स्टैंड अलोन, जो इस एक्स ट्रांसलेशन में यूज आएंगे। तो सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे एक स्ट्रिंग का। तो वेरिएबल डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम डी स्पेक यूज करेंगे। तो डी प्रेस कर डी एंटर करने के बाद हम F4 लेंगे और यहाँ पे स्ट्रिंग का नेम देंगे, जो भी हमारे को वेरिएबल का नेम देना। तो सपोज मैं स्ट्रिंग ऑप्शन लेता हूँ। अब हम इसका डिक्लेरेशन टाइप डिफाइन करेंगे, तो ये एक स्टैंड अलोन वेरिएबल रहेगा। स्टैंड अलोन वेरिएबल के लिए S यूज में आता है। और यहाँ अब हम उसकी लेंथ डिफाइन करेंगे। सपोज मुझे 25 कैरेक्टर का एक वेरिएबल डिफाइन करना है, तो यहाँ पे 25। अब यहाँ पे डेटा टाइप सेलेक्ट करने के लिए हम ऑप्शन F1 भी यूज़ कर सकते हैं। F1 लेने पे हमारे को डिफरेंट डेटा टाइप यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, तो जिनमें से हम कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अपने एक्सलेट फंक्शन के लिए हम करेक्टर अल्फा न्यूमेरिक यूज़ करेंगे, जो करेक्टर को स्टोर करता है। तो F12 प्रेस करके यहाँ पे हम डायरेक्टली AB एंटर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक कीवर्ड यूज़ करेंगे INZ, जो इनिशियलाइजेशन के लिए होता है, और इसमें हम कोई भी एक स्ट्रिंग को इनिशियलाइजेशन करेंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ INDIA। सो इंडिया हमने इसमें इनिशियलाइज कर दिया है, और कोट क्लोज करके हम इस पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो एक ये वेरिएबल डिफाइन हो चुका है स्ट्रिंग, जो 25th करेक्टर का है, और उसमें एक स्ट्रिंग हमने इनिशियलाइज करी है। अब एक और वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे स्टैंड अलोन, जो रिजल्ट स्टोर करेगा ट्रांसलेशन का। तो इस वेरिएबल का नेम मैं दे रहा हूँ रिजल्ट। सेम ये भी स्टैंड अलोन वेरिएबल रहेगा, इसकी लेंथ भी 25 करेक्टर रहेगी, एंड इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली रिजल्ट को स्टोर करेंगे। अब हमारे को दो वेरिएबल चाहिए, जिसमें एक में तो वो करेक्टर्स रहेंगे जिससे हमें ट्रांसलेट करना है, एंड सेकेंड वेरिएबल में वो करेक्टर्स रहेंगे जिसमें हमें ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे डी स्पेक यूज करेंगे उसके लिए, और उस वेरिएबल का नाम लेते हैं हम सपोज लोअर, जो लोअर केस को स्टोर करेगा, और उसका टाइप भी यहाँ पे रहेगा F4 से हम डायरेक्टली इसमें आ सकते हैं। S, इसकी लेंथ हम डिफाइन करेंगे 26, जो सभी करेक्टर्स को स्टोर करेगा, और यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक। अब इसको हम इनिशियलाइज करेंगे INZ कीवर्ड के हेल्प से, और इसमें सभी लोअर केस करेक्टर्स को इंसर्ट कर देते हैं। लास्ट में कोट एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर। सिमिलरली हमारे को एक और वेरिएबल डिफाइन करना है, तो इसी लाइन को हम रिपीट भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन हम यहाँ पे 00 पे RP लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, और अब हम इसका यहाँ से नाम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। तो अपर भी डिक्लेरेशन टाइप्स स्टैंड अलोन रहेगा। कैरेक्टर्स इसमें भी हमारे को लेंथ 26 रिक्वायरमेंट है, और अल्फा न्यूमेरिक। अब इसमें हम जो भी कैरेक्टर स्टोर करेंगे वो अपर केस में स्टोर करेंगे। तो अब हमने हमारे जितने भी वेरिएबल रिक्वायरमेंट थी उन सबको डिफाइन कर दिया। अब हम इसमें ट्रांसलेशन पे मूव करेंगे। तो ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले हम सी स्पेक लेंगे, और उस पर F4 ऑप्शन लेंगे, और यहाँ पे हम एक ऑपकोड यूज़ करेंगे इवेल। इवेल ऑपकोड यूज़ होता है किसी भी वैल्यू का इवेल्यूएशन के लिए। तो यहाँ पे इवेल लिख के ऑपरेशन में हम एंटर प्रेस करेंगे, और अब यहाँ पे हम
हमें जिस वेरिएबल में रिजल्ट को स्टोर करना है उसका नेम लिखेंगे। तो हमने उसके लिए रिजल्ट के लिए रिजल्ट नेम से एक वेरिएबल बनाया, तो हम लिखेंगे result एंड इक्वल्स टू। अब यहाँ पे जो हम फंक्शन यूज करेंगे वो है एक्सलेट बिल्ट इन फंक्शन। तो उसका स्टार्टिंग होती है परसेंटेज एक्सलेट ब्रैकेट स्टार्ट, एंड यहाँ पे हमें उस स्ट्रिंग को देना जिससे कन्वर्जन होगा, और सेकंड कॉलन लगाने के बाद हम सेकंड वेरिएबल का नेम देंगे जिसमें कन्वर्जन होगा, एंड थर्ड कॉलन के बाद हम वो स्ट्रिंग देंगे जिस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हमें लोअर स्ट्रिंग को अपर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल लोअर इस कॉलन, अब किस में कन्वर्ट करना है, अपर में, तो अपर स्पेस कॉलन, और किस स्ट्रिंग पे ये परफॉर्म करना है, तो हमने यहाँ पे इस स्ट्रिंग पे हमारे को इस इंडिया को कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे स्ट्रिंग कैपिटल में। हमने यहाँ वेरिएबल डिफाइन कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अब इस फंक्शन से क्या हो रहा है, लोअर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे अपर कैरेक्टर में, किस स्ट्रिंग के अंदर, जो हमने स्ट्रिंग नेम से एक वेरिएबल बनाया इस स्ट्रिंग में जो भी लिखा हुआ है वो लोअर टू अपर में चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे यहाँ इस आरपीजी लिए हमारे को प्रोग्राम एंड करने के लिए एक ऑपकोड यूज करना पड़ता है, तो उस ऑपकोड के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑन, एंड यहाँ पे हाई वाले में हम एक LR लिखेंगे। ये ऑपकोड इसलिए यूज हो रहा है कि यहाँ पे आरपीजी लिए हम प्रोग्राम को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यहाँ पे हमारे को प्रोग्राम का एंड करना है, तो ये लास्ट रिकॉर्ड इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है। तो अब हमने ट्रांसलेशन कंप्लीट कर लिया है, अब रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम ट्रांसलेट जहाँ करा है उससे पहले हम उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा के देखते हैं। तो डिस्प्ले कराने के लिए एक ऑप कोड यूज़ होता है, तो यहाँ पे हम सी स्पेक में F4 लेंगे और यहाँ पे हम लिखते हैं DSPLY, और फैक्टर वन में हम यहाँ पे लिखेंगे जिसे जिस वेरिएबल को हमारे को डिस्प्ले कराना है। तो हम सबसे पहले इस स्ट्रिंग वेरिएबल को डिस्प्ले कराएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्टली स्ट्रिंग, एंटर। अब सेम उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन परफॉर्म कर दिया, उसके जस्ट बाद में हम चेक करेंगे कि अब उसका वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे सी F4 DSPLY फैक्टर वन में हम उसी वेरिएबल का नाम, अब हम इसमें यहाँ पे वेरिएबल रिजल्ट का नेम लिखेंगे क्योंकि हमने ट्रांसलेशन रिजल्ट में स्टोर किया है, तो RESULT, एंटर। तो ये अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, हम एक बार चेक करते हैं कि हमने क्या किया। तो यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल डिफाइन किए, फर्स्ट वेरिएबल में वो स्ट्रिंग को होल्ड कराया जिसको हमारे को ट्रांसलेट करना है, एंड फिर सेकंड वेरिएबल हमने यूज लिया है रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, एंड थर्ड वेरिएबल में हमने सारे लोअर केस स्टोर किए हैं, एंड फोर्थ जो वेरिएबल है उसमें अपर केस यूज किया है, और उससे उसके बाद में हमने स्ट्रिंग को नॉर्मल स्ट्रिंग को पहले डिस्प्ले कराया है, उसके बाद में इवेल्यूएशन इवेल ऑपकोड के थ्रू रिजल्ट में हमने एक बिल्ट इन फंक्शन एक्सलेट को यूज किया है जो फर्स्ट अपना वेरिएबल लेता है लोअर, और जो लोअर केस को कंटेन करता है, फिर अपर एंड फिर स्ट्रिंग जिस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एक्स ट्रांसलेशन के बाद में हमने उस वेरिएबल को रिजल्ट वेरिएबल को डिस्प्ले कराया जो रिजल्ट हमारे को स्क्रीन पे शो करेगा, एंड लास्ट लाइन में हमने आरपीजीएलई को इंस्ट्रक्ट किया है कि ये एक हमारा लास्ट रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे सेट ऑन ऑपकोड के थ्रू हमने इसको राइट किया। अब हम इसे सेव करेंगे एंड एग्जिट करेंगे फाइल लिखकर, तो फाइल, एंटर। ये प्रोग्राम हमारा क्रिएट हो चुका है, अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम ऑप्शन 14 लेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो नाउ द प्रोग्राम एक्सलेट BIF प्लेस्ड इन लाइब्रेरी Sharmid 100 विद हायर सेवरिटी क्रिएटेड ऑन। तो अब हमारा प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है, इसे कॉल करने के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली सी लिखकर एंटर भी कर सकते हैं। तो अभी ये हमारे को पहली स्ट्रिंग दिखा रहा है जो हमने इनिशियलाइज कराई थी INDIA, एंड एंटर प्रेस करने के बाद में ये हमारे को ट्रांसलेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जितने भी लोअर केस थे इस स्ट्रिंग में वो अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इस पर्पज से हम एक्सलेट फंक्शन को यूज करते हैं। एंड कॉल करने के लिए हम प्रोग्राम को एक डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कॉल, एंड प्रोग्राम का नेम, एंटर।
ये इस तरह से भी हमारे को रिजल्ट दिखाता है DSPLY, जो स्ट्रिंग हमने प्रोवाइड की थी एंड जिस स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट करा तो यहाँ पे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इन नेक्स्ट सेशन वी विल मूव फॉर अदर बिल्ट इन फंक्शन. थैंक यू.